हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंगजी सीरीज का 45th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कुछ नए देवता डार्क वंस के शिप पर अटैक कर देते हैं और वो किसी तरह उनसे बचते हुए अंडरवर्ल्ड में आ जाते हैं। बानी उन्हें डार्क पावर को रोकने के लिए नरक में आने को कहती है, लेकिन एक सरकटा देवता शिंग ट्यान उनका रास्ता रोक लेता है। वो लोग उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाते और यहाँ तक कि मोनोक्रोम पावर भी कोलैप्स हो जाती है। तब वो गैंग मदद के लिए सायरन गॉड को समन करता है, क्योंकि वो शिंग ट्यान का पुराना साथी था और उसकी रोरिंग पावर उसे डिसबैलेंस कर देती है। फिर वो गैंग अपनी आई सील से उसे फ्रीज कर देता है और वो सोचते हैं कि शायद उन्होंने शिंग ट्यान पर काबू पा लिया है, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाते हैं कि आई सील भी शिंग ट्यान के गुस्से को नहीं रोक सकती और वो एक बार फिर पलटकर उन पर अटैक कर देता है। बाई वू गैंग से भागने को बोलती है, लेकिन वू गैंग कहता है कि इससे बचकर निकलना इम्पॉसिबल है और खुद को जानबूझकर उसके सामने ले आता है। शिंग ट्यान उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वू गैंग को नुकसान पहुंचा पाए, चीयू वहां आकर कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है। वो शिंग ट्यान को समझाता है कि ये लोग मेरे अपने क्लैन से हैं और तुम्हें अपनी खोई हुई मेमोरीज को वापस पाना होगा। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं, उनके शरीर में एक अलग तरह की रोशनी चमकने लगती है और नीजा भी ये बात नोटिस करता है। उधर चीयू शिंग ट्यान को उसकी हिस्ट्री याद दिलाता है कि कैसे बड़ी चालाकी से देवताओं ने उसकी सारी मेमोरीज को मिटा दिया था और अब वो उनके लिए कठपुतली बन चुका है। लेकिन शिंग ट्यान पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो उन सबको मारने की धमकी देता है। तब चीयू उसे बताता है कि इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जल्दी ही तुम ये सब भूल जाओगे। फिर वो वू गैंग और बाकी लोगों को वहाँ से दूर ले जाने लगता है और ये देखकर शिंग ट्यान विचलित हो जाता है। तभी वो लोग उसके कलर को चेंज होते हुए देखते हैं और चीयू बताता है कि बिना सर का होने के कारण इसकी मेमोरी बहुत ही शॉर्ट है और जब तक इसे इसका सर वापस नहीं मिल जाता, ये ऐसे ही एक स्टूपिड गार्ड बना रहेगा। आगे हम शेनयन को देखते हैं, जो ट्यान के पैलेस में उन क्रिस्टल्स को देखने आया है। वो बताता है कि पिछले लाखों सालों से ट्यान के ड्रैगन रेस की और भी देवता यहाँ कैद हैं और आज वो फाइनली उन्हें आजाद कर सकता है। उन ब्लड क्रिस्टल से वो उन्हें एक नई लाइफ देता है ताकि उनकी मदद से हेवन को सेफ रखा जा सके। और पता चलता है कि ये वही ड्रैगन रेस के देवता हैं जिन्होंने डार्क वंस के शिप पर अटैक किया था। इधर चीयू वू गैंग से मिलकर बहुत इम्प्रेस होता है और उसकी पावर्स देखकर उसे लगता है कि उसकी सोल का टेस्ट बहुत लाजवाब होगा। फिर वो उनसे इस तरह यहाँ आने का कारण पूछता है और वू गैंग उसे बताता है कि हम लोग नथिंगनेस को रोकने का तरीका ढूंढ रहे हैं। चीयू ये सुनकर हंसने लगता है और उन्हें एक ऐसे फ्रेगमेंट के बारे में बताता है जो नथिंगनेस को स्वेलो करके उसे नष्ट कर सकता है। ये देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये फ्रेगमेंट किस चीज से बना है। तब चीयू उन्हें बताता है कि ये हमारे क्लैन का सबसे पावरफुल वेपन था, जिसमें अर्थ के साथ साथ हेवन को भी नष्ट करने की ताकत थी और हम लोग इसे वॉरलॉर्ड की तलवार बुलाते थे। वू गैंग को याद आता है कि फिनिक्स भी सायरन गॉड से इसी तलवार के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर ये कहाँ छुपी हुई है। चीयू को ये सुनकर कोई हैरानी नहीं होती और वो बताता है कि ट्यान के ड्रैगन ने इस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उन्हें अलग अलग जगह फैला दिया था। वू गैंग उससे पूछता है कि आखिर देवता वॉरलॉर्ड से इतना क्यों डरते थे और इस पर चीयू उसे एक पुरानी स्टोरी सुनाता है कि कैसे हम 99 जनरल्स ने हेवन से लड़ाई शुरू की थी और वॉरलॉर्ड हमारा वेपन मास्टर था। हेवन के पास भी उसके अटैक्स का कोई जवाब नहीं था और उसकी ताकत को देखते हुए उन्होंने उसे वॉरलॉर्ड बुलाना शुरू कर दिया। वू गैंग पूछता है कि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग था तो आखिर तुम लड़ाई कैसे हार गए, और ये सुनकर चीयू गुस्से से पागल हो उठता है। वो बताता है कि ये सब देवताओं की बेईमानी के कारण हुआ था, जिन्होंने रूल्स के खिलाफ जाकर उसे धोखे से मार डाला और उसके मरने के बाद ही नथिंगनेस पहली बार इस दुनिया में आई थी। कीवू को लगता है कि ये डार्क पावर शायद वॉरलॉर्ड से जुड़ी हुई है, लेकिन चीयू इससे इनकार कर देता है और कहता है कि डार्क पावर के आने का कारण कोई नहीं जानता। फिर वो उन्हें तलवार के टुकड़ों को ढूंढने को कहता है और साथ ही वॉर्न करता है कि प्राचीन देवताओं ने भी इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आखिर में उनके हाथ कुछ नहीं लगा और ट्यान ने उन्हें केप में कैद कर लिया। तब वो गैंग उसे बताता है कि प्राचीन देवता वहाँ से आजाद हो चुके हैं, पर उसे उनकी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता।
चीयू भी उनके आजाद होने की बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए फायदे की बात है और अगली बार मिलने पर तुम उनसे फ्रेगमेंट के बारे में पूछ सकते हो। फिर वो उन्हें उस तलवार का एक फ्रेगमेंट दिखाता है जो सालों से उसने अपने अंदर रखा हुआ था और बताता है कि दूसरे टुकड़े को देखते ही ये चमकने लगता है और जैसे ही और टुकड़े जुड़ते जाएंगे इनकी डिटेक्शन रेंज भी बढ़ती चली जाएगी। नीजा उन्हें बताता है कि ची और शिंग ट्यान भी एक दूसरे के पास आते ही चमकने लगे थे और वु गैंग समझ जाता है कि दूसरा फ्रेगमेंट जरूर शिंग ट्यान के अंदर है। वो उस दूसरे टुकड़े को शिंग ट्यान से निकालने का प्लान करता है, लेकिन चीयू उन्हें बताता है कि इससे तुम उसके गुस्से को और भड़का दोगे और हम पहले इसका रिजल्ट देख चुके हैं जब शिंग ट्यान और नूबा ने अकेले ही हेवन में तबाही मचा दी थी। इसीलिए साजिश के तहत देवताओं ने नूबा की दोनों बेटियों को अलग अलग कर दिया ताकि टाइम आने पर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर सके। कीवू पूछती है कि क्या ट्यानशी भी बानी के साथ नरक में ही है, जिस पर चीयू कहता है कि ये तो तुम्हें नरक में जाकर ही पता चलेगा। वु गैंग को लगता है कि शिंग ट्यान को शायद क्रिस्टल माउंटेन की पावर रोक सकती है, लेकिन चीयू बताता है कि उसकी ताकत उसकी कुल्हाड़ी में है और उसे रोकने के लिए तुम्हें उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर वेपन की जरूरत है। वु गैंग अपनी मोनोक्रोम पावर के बारे में सोचता है, लेकिन चीयू कहता है कि ऐसा करने की तो सोचना भी मत क्योंकि तुम उसके सामने एक बच्चे के जैसे हो। ये सुनकर वु गैंग उदास हो जाता है और तब चीयू कहता है कि अगर तुम 10 साल मेरे साथ ट्रेनिंग कर लो तो शायद शिंग ट्यान को हरा सकते हो। इस पर वु गैंग कहता है कि तब तक तो नथिंगनेस सब कुछ निगल जाएगी और उसे कोई दूसरा तरीका बताने को कहता है। चीयू फाइनली उन्हें एक सीक्रेट बताने को तैयार हो जाता है जिसमें शिंग ट्यान खुद ही वो फ्रेगमेंट उन्हें सौंप देगा, लेकिन इसके बदले वु गैंग को उसके साथ एक ट्रेड करना होगा। फिर वो टेलीपैथी से वु गैंग को अपनी डील के बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। आगे हम उन सबको वापस बेस पर देखते हैं जहां वु गैंग सोल्जर्स को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है और उसके जनरल्स भी उसके साथ ताकत आजमा कर देखते हैं। फिर वो मिशन के लिए हैंग ली सिवांग और कीवू को चुनता है क्योंकि वो शिंग ट्यान और फ्रेगमेंट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। उन्हें डर है कि नथिंगनेस अपना दायरा तेजी से बढ़ा रही है और अगर जल्दी ही उसे नहीं रोका गया तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। वो शिंग शिंग और कैन डाओ से नथिंगनेस को फॉलो करने को कहता है ताकि वो उसकी रेंज स्पीड और बाकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सके। फिर वो चीयू को उसके ऑफर का जवाब देने जाता है, लेकिन पता चलता है कि चीयू उसकी सोल को पाना चाहता है और इसी के बदले वो उन्हें उस सीक्रेट के बारे में बताएगा। तब वु गैंग उसे कहता है कि मेरी ताकत अभी अधूरी है और इस वक्त ये सोल खाकर तुम्हें कोई मजा नहीं आएगा। वो उसे खुद को कुछ और साल देने को कहता है ताकि तब तक वो अपनी पावर को और बढ़ा सके और ये सुनकर चीयू का मन भी ललचा जाता है। वो वु गैंग को 3 साल का वक्त देता है जिसके बाद वो उसकी सोल को निगल जाएगा और वु गैंग भी इसके लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने चीयू को बेवकूफ बना दिया है, लेकिन तभी चीयू उस पर एक सोल हंटर सील लगा देता है ताकि डील पूरी होने पर वो उसकी सोल को कहीं से भी ढूंढ सके। आगे वो गैंग उसे वो सीक्रेट बताने को कहता है और चीयू बताता है कि तुम्हें शिंग ट्यान के कटे हुए सर को वापस लाना होगा ताकि उसकी सोचने समझने की शक्ति वापस आ सके और इस तरह वो खुशी खुशी अपना फ्रेगमेंट तुम्हें सौंप देगा। फिर वु गैंग के पूछने पर वो उसे सिर की लोकेशन के बारे में बताता है जो हिल ऑफ साइलेंस नाम की एक ऐसी पहाड़ी पर है जहाँ जायंट्स का राज चलता है। वो लोग अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं, लेकिन उनमें ऐसी किसी जगह के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ और वु गैंग समझ जाता है कि ये जरूर किसी पहेली की तरह है। वो सब लोग इस पजल को सोल्व करने में लग जाते हैं और सोचते हैं कि देवताओं ने जरूर इसे किसी हिडन लोकेशन पर छुपाया है। कीवू पूछती है कि आखिर देवताओं ने इस सर को हेवन में ही क्यों नहीं रखा और तब वु गैंग बताता है कि शायद देवताओं को अपने लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे शेन यान ने ट्यान को धोखा दिया। बाई को लगता है कि उन्हें शायद शिंग ट्यान के क्लैन को चेक करना चाहिए, लेकिन कीवू कहती है कि उसका क्लैन तो पहले ही खत्म हो चुका है। तब बाई उन्हें किसी ऐसे दुश्मन के बारे में सोचने को कहती है जो शिंग ट्यान के इलाके को हथियाना चाहता हो, जैसे जीफा ने देवताओं की मदद से शेंग राज्य को हथियाया था। लेकिन हैनली कहता है कि आखिर शिंग ट्यान के छोटे से इलाके को कौन हथियाना चाहेगा। ये सुनकर सिवांग उन्हें एक ऐसे क्लैन के बारे में बताता है जो शिंग ट्यान के जानी दुश्मन थे और सालों से उनके बीच लड़ाई चलती आ रही थी। वु गैंग उसे इस क्लैन का नाम पूछता है, जिस पर सिवांग बताता है कि ये लोग अपने फेस पर एक मास्क पहनते हैं और इन्होंने अपना नाम शैडो क्लैन रखा है। वु गैंग तीनों जनरल से इस क्लैन को ढूंढने को कहता है और कुछ डार्क फॉरेस्ट में चीयू से मिलने जाता है।
वहाँ वो चीयू को अपनी बनाई एक गन दिखाता है जो उसने की एनर्जी और सोल वेपन को मिलाकर बनाई है और उसे लगता है कि ये आने वाली लड़ाई में उनके काम आ सकती है। चीयू भी इस नए तरह के वेपन को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और वू गैंग से इसका एक डेमो दिखाने को कहता है। वू गैंग इसे उसी पर आजमाता है लेकिन देखता है कि इससे तो चीयू का बाल भी बाका नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेशन में वो उसे एक बार फिर फायर करता है और इस बार वो दोनों ही उसकी ताकत को देखकर हैरान रह जाते हैं। चीयू उसका एक और नमूना दिखाने को बोलता है लेकिन वो गन फिर से फेल हो जाती है और ये देखकर चीयू उसके पोटेंशियल का मजाक उड़ाने लगता है। वू गैंग जानता है कि प्रॉब्लम गन में नहीं बल्कि उसके यूज करने के तरीके में है और जल्दी ही उसे इस पर कंट्रोल पाना होगा, लेकिन चीयू उसे वेपन की बजाय अपनी फाइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने को कहता है। फिर हम वू गैंग को चीयू से ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं और उधर उसके जर्नल्स भी शेडो क्लैन को ढूंढने के अपने मिशन पर निकल जाते हैं। आगे हम याओजी और जियू को देखते हैं जो शिप पर अटैक करने वाले उन क्रिस्टल गॉड्स को ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें कहीं से ब्लड की स्मेल आती है और थोड़ा आगे जाने पर उनका सामना दो क्रिस्टल गॉड से होता है। जियू इस बार उनके लिए पूरी तरह से तैयार था और उन्हें अपनी की फॉर्मेशन में फंसाकर वो उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है। वो नोटिस करते हैं कि उन दोनों की बॉडी क्रिस्टल से बनी हुई है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए उनमें से एक देवता दूसरे को अपने अंदर फ्यूज करना शुरू कर देता है। फाइनली वो दोनों मिलकर एक नए रूप में आ जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।